तो आज की वीडियो में हम कुछ थोड़े से आगे बढ़ेंगे और इंडिफरेंस कर्व्स जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देख लिए थे उसी की थोड़ी और बात करेंगे मज़ीद, और फिर हम बेस्ट अफोर्डेबल चॉइस के ऊपर जाएंगे कि बेस्ट अफोर्डेबल चॉइस क्या होती है। ठीक है, अच्छा देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम वापस से रिवाइज करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या थे। इंडिफरेंस कर्व बेसिकली दो गुड्स के दरमियान वो कॉम्बिनेशंस थे जिनसे आपको एक जैसी यूटिलिटी मिलती है, जिसके अंदर आप अपने आप को जो है वो सेम फील करते हो और आपको ना किसी एक कॉम्बिनेशन को दूसरे कॉम्बिनेशन के ऊपर चूज़ करते हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, कहीं ऐसा ना लगता हो कि अगर मैंने एक को छोड़ के दूसरा चूज़ करा तो मैं वर्स ऑफ हो जाऊँगा या मैं बेटर ऑफ हो जाऊँगा। तो ऐसे सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व बनता है और ये हमारा एक इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। अच्छा, इसी तरीके से इंडिफरेंस कर्व जो बन जाता है एक कोई भी पर्टिकुलर, उससे ऊपर जितने भी इंडिफरेंस कर्व और मज़ीद आप बनाए वो सारे एक दूसरे के ऊपर जो भी होंगे उनकी यूटिलिटी पिछले वाले से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, क्योंकि उस इंडिफरेंस कर्व पर पर्टिकुलर यूटिलिटी कॉन्स्टेंट होगी, सेम होगी, चाहे वो जो भी हो, यानी आप उनमें से कोई भी पॉइंट कंज्यूम करें आपको सेम यूटिलिटी मिलेगी। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट असल में बात ये आती है कि ये तो वो कॉन्सेप्ट कहलाएगा कि जिसमें आपको यूटिलिटी सेम मिले। फिर बात ये आती है जो हमने डिस्कशन करी थी कि फिर आप कोई सा भी ले लें, लेकिन अब कैसे लेंगे, उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज होना भी ज़रूरी है। और रिसोर्सेज का क्या मकसद हुआ, रिसोर्सेज ये का कहते हैं कि आपके पास जो इनकम है वो भी आपके पास होनी चाहिए जिसकी वजह से आप कोई ले लें। तो अब जो रिसोर्सेज की जो चीज़ थी, जो उसका कॉन्सेप्ट था, जो उसके ग्राफ थे, वो कहलाते थे बजट कंस्ट्रेंट। तो बजट कंस्ट्रेंट को हमने क्या देखा कि बजट कंस्ट्रेंट ये होता है कि बेसिकली दो ही गुड्स होते हैं, उसमें भी कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन किस बेस के ऊपर होता है कि विद द गिवन इनकम आप कौन कौन से कॉम्बिनेशन अफोर्ड कर सकते हैं। तो अब उस अफोर्डेबिलिटी को और इस प्रेफरेंस को जब हम आपस में मिलाते हैं ना, तो हमें जो चीज़ मिलती है वो मिलती है बेस्ट अफोर्डेबल चॉइस, जिसको हम आगे लेटर डिस्कस करेंगे और मैं डायग्राम में बनाकर उसको दिखाऊंगा। यानी बजट कंस्ट्रेंट के ऊपर भी जितने पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स भी आपको सेम यूटिलिटी नहीं दे रहे होते, उनमें से कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जो कि आपको हाई यूटिलिटी, सबसे ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर पॉइंट्स ऑफ बजट कंस्ट्रेंट। तो आप उस पॉइंट पर जाते हैं, और उस पॉइंट पर आप कैसे जाते हैं, थ्रू इंडिफरेंस कर्व। आप इंडिफरेंस कर्व को देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व जो सबसे ऊपर का इंडिफरेंस कर्व है वो मुझे किस पॉइंट पर नज़र आ रहा है, आप उसको पॉइंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, वो आपका बेस्ट अफोर्डेबल चॉइस कहलाती है। अफोर्डेबल क्यों, अफोर्डेबल तो है वो आपकी इनकम के साथ, और बेस्ट क्यों, क्योंकि आपकी उसमें प्रेफरेंसेज, आपकी यूटिलिटी भी आपको हाईएस्ट मिल रही है अपनी इनकम को देखते हुए, उससे ज़्यादा आप अटेन नहीं कर सकते उस इनकम के अंदर रहते हुए, यानी उस बजट कंस्ट्रेंट को देखते हुए। अच्छा, ये तो बात थी रिवाइज वाली। अब बात ये कि मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, अच्छा, आप जब कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक के देखेंगे तो आपको ये स्टीप नज़र आ रहा है, फिर यहाँ ये थोड़ा और मज़ीद फ्लैट हो गया, और यहाँ ये और मज़ीद फ्लैट हो गया, और यहाँ तो आप देखें तो ऐसा लग रहा है आपको, क्या कहते हैं कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन के बराबर आ गया, यानी बिल्कुल कह लेंगे, कहते हैं कि ये फ्लैट हो गया, परफेक्टली फ्लैट हो गया, और यहाँ जो है ये स्टीपर की शक्ल में अख्तियार कर। अच्छा देखिए, ये जो ग्राफ की शेप थी वो क्यों थी, ये ग्राफ की शेप इसलिए हमने आपको बताया था, जो मैंने आपको, कि ये इस वजह से होती है ड्यू टू डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से होती है, और इसी वजह से हम सुबह कहते हैं कि जब हम इसका स्लोप देते थे तो उसका नाम होता था, क्या होता था उसका स्लोप का नाम, MRS, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये भी हम कहलाते हैं कि हम कहते हैं कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इस ग्राफ के अंदर, कैसे कि अगर आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे ना, तो आप जब नीचे तक के आएंगे आपको जो MRS मिलेगा वो हर पॉइंट के ऊपर पहले से
कम नजर आएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखें ये भी आप याद रखें कि जितना ज्यादा स्टीप होता है उतना ही ज्यादा स्लोप भी होगा, और स्लोप भी बेसिकली MRS है यहाँ पे इंडिफरेंस करके। तो यहाँ पे देखें ज्यादा स्टीप है तो ये देखें स्टीपर कम से कम होता जा रहा है, कम से कम, और यहाँ के फ्लैट हो गया, ठीक है? तो स्टीपनेस की कम से कम हो रही है, इसका मतलब कि ये पूरे ग्राफ के ऊपर यहाँ से अगर आप शुरू करेंगे तो नीचे आते आते आपको मार्जिन एट अ सिचुएशन डिमिनिशिंग होता हुआ नजर आएगा, कम से कम होता हुआ नजर आएगा। अच्छा ये क्यों था, ये मैंने आपको बताया था कि देखें जब भी आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे, लेट सपोज जैसे आप जो एग्जाम्पल थी इसकी वो ये थी कि सोडा और मूवीज। अब देखें सोडा और मूवीज वैसे देखा जाए तो सब्सिट्यूट तो नहीं है, ठीक है? जबकि ये मार्जिनल एट अ सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि आप एक चीज़ को किसी और के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, लेकिन ये भी सब्स्टिट्यूट है। किस तरीके से? क्योंकि अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करने लग गए हैं तो इट मीन्स आपका सब्स्टिट्यूट है। अगर आप नहीं करते, आप कहते नहीं भाई मुझे जाना ही नहीं है कहीं और, तो इसका मतलब वो बिल्कुल सब्स्टिट्यूट नहीं होता आपका। लेकिन आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इस ग्राफ के ऊपर नजर आ रहे हैं कि एक चीज़ को कंज्यूम करने के लिए दूसरी चीज़ को कम कर रहा है। लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड क्या है इसके सब्स्टिट्यूशन का, वो बेस करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, जब हमने बोला था कि अगर जैसे आप लेट सपोज सोडा यानी एक कैन जो है वो पूरा का पूरा पूरी जितनी आपकी कहें आपकी यूटिलिटी आप सारी की सारी 10 यूनिट्स ऑफ कैन से हासिल करें। अगर ऐसे टाइम पे आपको कोई कहता है कि यार एक मूवी देख लो और 2-4 यूनिट जो है वो सोडा के छोड़ दो, तो आप कहेंगे कि हाँ यार मैं इतना पी रहा हूँ, सही है 2-4 अगर छोड़ देता हूँ तो क्या है, एक मूवी है, मूवी आपको उस पर अट्रैक्टिव लगेगी कि हाँ यार चलो मेरे लिए अच्छी है, लेट सपोज। तो वो आप क्या करेंगे, आप उसको उस मूवी की तरफ चले जाएंगे। तो क्या होगा, एक यूनिट मूवी का देखने के लिए आप 2 या 4 यूनिट फॉरगो करने के लिए परेशान नहीं होंगे। अच्छा फिर आपको कहा जाएगा कि जी दूसरा यूनिट भी आप देख लें और थोड़ा आप छोड़ दें, तो आप पहले की तरह आप इसके अंदर इतने ज़्यादा यूनिट छोड़ा के नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक तो देखनी है, तो आपको थोड़ी सेटिस्फेक्शन जो मेन सेटिस्फेक्शन थी वो आपको मिल गई है, तो आप क्या करेंगे, अब आप कंपेरेटिवली उससे थोड़े कम सोडा के कैन छोड़ने के लिए तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि देखें जब भी आप किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम से कम होती है। तो अब आपने एक मूवी देख ली, आपने हाईएस्ट अपनी मार्जिनल यूटिलिटी अचीव कर ली, अब आप दूसरे के लिए जाएंगे तो आपको पिछली वाली जो मूवी देखी थी उसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली थी उससे कम मिलेगी। जब आप उसको आपको उससे कम मिलेगी तो आप फिर सोडा के कैन भी थोड़े कम छोड़ेंगे। इसी तरीके से आखिरी पॉइंट के ऊपर लेट सपोज आपको कह दिया जाए कि जी आप 7 मूवीज देख लें, 7वां भी आप देख लें, तो इस वक्त आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही गिर चुकी होगी, हर एडिशनल यूनिट की मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी होती है एडिशनल यूनिट की। तो जो लास्ट यूनिट अगर आपको कहा जाए कि आप जी पूरे के पूरे अपना बेनिफिट जो मूवी से ले लें, तो आप उस वक्त क्या होगा, उस वक्त आप सोडा को छोड़ने के लिए, क्योंकि फिर आपको क्या लग रहा होगा, क्योंकि देखिए आप सोडा है कंपेरेटिवली ग्रेजुअली जो है आप उसको छोड़े जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप जितना सोडा छोड़ रहे हैं तो आप कम से कम सोडा को कंज्यूम कर रहे हैं, और जितना कम आप कंज्यूम करेंगे उतनी आपकी मार्जिन यूटिलिटी अच्छी हो जाएगी। तो अब आपको क्या लग रहा होगा, अगर आपको कोई कह दे कि जी 7 यूनिट जो है पूरे के पूरे आप यूटिलिटी ले लो मूवी से, यानी आप लेट सपोज आप इस पॉइंट पर आ जाओ, आप जो है 7 यूनिट इसके लो और 1 यूनिट आप सोडा का लो, तो आप इससे आप क्या करोगे, यहाँ पे पहुँचने से पहले जो है आप अपने जो सोडा की जो वो देखोगे, देखोगे कि यार सोडा मैं सिर्फ 1 से 2 कैन पी रहा हूँ और यहाँ मैं 7 मूवीज देख रहा हूँ, तो मैं क्यों, मैं जो है वो कहते हैं आपको इस वक्त सोडा ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो आप क्या करोगे कि अब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इतनी गिर चुकी होगी मूवी की, आपने इतनी देख ली होगी कि आप डिसीजन ये लोगे कि नहीं अब मैं मूवी अगर मुझे मिलती भी है देखने को तो भाई फिर मैं बहुत ही कम सोडा छोड़ने के लिए तैयार हूँ, जब भी मैं अपने आप को जो है वो एक सेटिस्फाइड फील करूँगा, वरना मैं नहीं कर रहा, वरना मैं सोडा उतना ही ले रहा हूँ, यानी मैं इससे थोड़े किसी ऊपर पॉइंट के ऊपर यहाँ पर या यहाँ पर जो है वो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो प्रेफरेंस का बनाया है इसका मकसद ही है कि आप जो है वो किस तरीके से अपने सब्स्टिट्यूशन को अपने उसको जो है सब्स्टिट्यूशन को जो है वो किस तरीके से अपने अंजाम देते हैं और कैसे आप जो है वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए छोड़ते हैं। तो ये असल में क्या है, ऑर्डिनरी गुड्स के लिए ये वो गुड्स हैं जो कि सब्स्टिट्यूट तो हैं बट कोई क्लोज या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि क्लोज या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं तो आपको फिर एक चीज़ को छोड़ते हुए दूसरी चीज़ के बारे में इतना सोचना नहीं पड़ता कि मैं उसको कितना छोड़ूँ, ज़्यादा छोड़ूँ, कम छोड़ूँ, मेरी यूटिलिटीज़ में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? तो ये है ऑर्डरी गुड्स के लिए, इसलिए इसका जो शेप होता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरीके से होता है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अच्छा इसी के साथ साथ 2 किस्म के और शेप भी होते हैं, अच्छा वो मैं बना रहा हूँ,
अब जैसे एक ये कर्व था, तो इसी के ऊपर अगर मैं एक और कर्व बनाऊं, तो ये वाला जो कर्व है, ये आई वन लेट सपोज, ये आई टू, तो ये जो इससे ऊपर वाला कर्व है, ये आपको ज्यादा यूटिलिटी देगा किसी भी पॉइंट पे आप चले जाएं इसके। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको बताया है कि जितना ऊपर आप जाते रहेंगे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, हर इंडिफरेंस कर्व एक से ऊपर जो दूसरा होगा वो आपको ज्यादा यूटिलिटी देगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से आप ये देखें, लेट सपोज मैंने ये दो बना ली, ये भी इंडिफरेंस कर्व की शेप, लेकिन अब ये कैसी शेप है? ये है स्ट्रेट लाइन शेप, जैसे कि आपका डिमांड कर्व होता है। ये कब बनेगा? ये आपका कहलाएगा, ये तो कहलाएगा आपका ऑर्डिनरी गुड्स, और ये कहलाएंगे आपके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। अच्छा क्लोज सब्स्टिट्यूट क्यों? तो इनमें आपका ये क्या नजर आ रहा है, इनमें देखें आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप जब इसका स्लोप निकालेंगे तो आपको हर पॉइंट के ऊपर कॉन्स्टेंट स्लोप मिलेगा, यानी कॉन्स्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा। यूटिलिटी तो इस पॉइंट के ऊपर सेम ही होगी, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि इस इंडिफरेंस कर्व पर है, लेकिन साथ साथ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कॉन्स्टेंट होगा, और यहाँ पर लेकिन डिमिनिशिंग होगा। क्यों होगा कॉन्स्टेंट? क्योंकि देखें ये ऐसे सब्स्टिट्यूट होंगे जिसको अगर एक को आप छोड़ेंगे तो दूसरा भी आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट रखता होगा जितना कि आपका पहला छोड़ने वाला। जैसे कि आप ये एग्जाम्पल ले लें, आप जो है वो एक मार्कर खरीद रहे हैं, और एक मार्कर आपको ले रहे हैं आप कैंपस से, और एक मतलब कैंपस यानी आप कह रहे हैं, कहते हैं कि अपने स्कूल से या अपने यूनिवर्सिटी की किसी शॉप से, या आप किसी लोकल शॉप से ले रहे हैं जो कि आपकी बाहर कहीं कह रहे हैं, किसी भी शॉप जो आपके रोड्स पर होती हैं उनसे आप ले रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आप दोनों को कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंस देंगे? अगर जब क्वालिटी सेम होगी, अगर ब्रांड वही होगा, तो आप दोनों को एक तरीके से लेंगे। तो अगर इन दोनों की आप यूटिलिटी देखें, तो अगर कोई आपसे कहेगा, कहते हैं कि आप एक यूनिट कैंपस का मार्केट छोड़ दें और एक यूनिट आप जो है वो लोकल स्टोर से वो मार्केट खरीद लें, तो आपके लिए क्या होगा? अगर आपको जाने में कोई मसला नहीं हो रहा होगा, अगर आपके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन और इस टाइप का कोई इशू नहीं होगा, तो आपके लिए वो क्या होगा? वो आपके लिए सेम इंपॉर्टेंस रखता होगा, क्योंकि काम वो आपका वही करेगा, वही आपको कैंपस से भी मिल रहा होगा, वही आपको वहाँ से भी मिल रहा होगा, और पैसे भी वही, हर चीज़ वही, कोई चीज़ और सब चीज़ें कॉन्स्टेंट है जो कि हम असम्पशन लेके चलते हैं। तो ऐसे केस में हर एडिशनल यूनिट अगर आप एक लेट सपोज कह लेंगे, कहते हैं कैंपस से ले रहे हैं, हर एडिशनल यूनिट कैंपस से अगर आप लेंगे मार्कर का, और उसके बदले में अगर आपको कहा जाए कि लोकल से आप कितना छोड़ेंगे, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैं एक वहाँ से छोड़ूँ और एक यहाँ से लूँ, मेरे लिए बात तो ये, या मैं वहाँ से लूँ या मैं यहाँ से लूँ। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है एक चीज़ को लेने के लिए दूसरी चीज़ को छोड़ना, वो आपका कॉन्स्टेंट होगा, यानी वन के बराबर होगा, आप इसको ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये इक्वल टू वन भी हो सकता है। और वन किस तरीके से? क्योंकि लाजमी सी बात है कि अगर आप कोई भी एक चीज़ लेंगे तो आप जितनी भी वो चीज़ लेने के लिए तैयार हैं, अगर मतलब जैसे कि एक मार्कर आप कैंपस से अगर लेना चाह रहे हैं, तो लाजमी सी बात है आप उस मार्कर को, अगर आप किसी एक मार्कर को लोकल शॉप से छोड़ने के लिए उसी वक्त तैयार होंगे जब आपको वो एक मार्कर कैंपस से मिल जाएगा। तो ये कहलाते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो इनका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कांस्टेंट होता है। अच्छा इसी तरीके से ये भी एक इंडिफरेंस कर्व है, और अगर इसमें भी आप देखें तो अगर आप इस वाले कर्व से ऊपर के कर्व के ऊपर जाएंगे तो आपको यूटिलिटी ज़्यादा ही मिलेगी, और इस पूरे कर्व के ऊपर आपकी यूटिलिटी जो है वो सेम होगी। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अब एक तीसरा जो कर्व का शेप है तो वो बना देता हूँ। अब ये देखें, ये कहलाते हैं एल शेप इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब ये कौन सा कर्व? ये कहलाते हैं, ये जो इंडिफरेंस कर्व होता है ये कहलाता है, ये किसका होता है? कॉम्प्लीमेंट गुड्स का, यानी ये वो जो इस टाइप के इंडिफरेंस कर्व है, जैसे कि ये कह लें आप क्या कहते हैं कि आई
नॉट कह लें इसको, और ये आई वन है, क्योंकि ये आई नॉट है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे कि राइट शू और लेफ्ट शू, ये दोनों आपस में क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट है, यानी एक दूसरे के साथ नेसेसरी, जरूरी है। अगर ऐसा ना हो तो जैसे कि राइट शू और लेफ्ट शू जो है वो आपके लिए एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट है, यानी ऐसा हो कर नहीं सकते आप कि अगर आपको कोई राइट शू ही देता रहे तो आप उसके ऊपर बड़े खुश होते रहे और आपको यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहे। नहीं, आपको अगर एक राइट शू मिलेगा तो आपको उसके लिए लेफ्ट शू भी एक लाजमी चाहिए, जब भी आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो कंप्लीट होगी, वरना आपको सेटिस्फेक्शन कोई नहीं मिलेगी, क्योंकि सीधे एक एक पाँव के जूते से आप ना चल सकते हैं और ना आपको कुछ और काम हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो होंगी जो चीज़ें वो आपकी क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं कॉम्प्लीमेंट गुड्स। ठीक है, यानी एक दूसरे के साथ नेसेसरी। जैसे हम वो कहते थे कि जी चाय बनाने के लिए अब जो डायबिटिक के पेशेंट नहीं उनको चीनी भी चाहिए और पत्ती भी चाहिए। अब चीनी और पत्ती लाजमी सी बात है, अगर दोनों चीज़ें होंगी तो ही काम चलेगा, वरना अगर ऐसा कि पत्ती हो और चीनी ना हो तो भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, और अगर चीनी और पत्ती ना हो तो भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आप वो बना ही नहीं पाएंगे जो आप चाह रहे हैं। तो इसी तरीके से इसका भी कॉम्बिनेशन है। तो यानी लेट सपोज, जैसे ये देखें आप कि एक यूनिट आपको मिलता है लेफ्ट शू का और एक ही यूनिट आपको मिलता है राइट शू का, तो आपको ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इसकी यूटिलिटी जो भी होगी वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर आपको ये कहे कि एक ही लेफ्ट शू दे रहा हूँ और दो राइट शू दे रहा हूँ, तो आपके साथ क्या होगा, आपकी यूटिलिटी चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपको कोई फायदा ही नहीं होगा, आप अपने आप को बेटर ऑफ समझेंगे ही नहीं। तीन शू दे रहा हूँ, चार दे रहा हूँ, आप नहीं कर पाते। और इसी तरीके से अगर आप इस तरीके तरफ से जाएं, तो क्योंकि ये इस तरीके का शेप है कि ये पॉइंट आपको ये बता रहा है कि या तो आप इसका एक लें और फिर आप इसके जितने चाहें लेफ्ट शू के लें, या आप लेफ्ट शू का एक लें और आप राइट शू के जितने चाहें लें, तो आपके लिए कोई भी बेटर ऑफ नहीं है। और इससे सबसे ज़्यादा अगर आपको यूटिलिटी के हिसाब से ये देखना पड़े तो आपके लिए एक यही पॉइंट होगा जिसको आप अगर चाहे, अगर आपको इस तरफ से भी बढ़ा दिया जाए, इस तरफ से बढ़ा दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक लेफ्ट और एक राइट से ही खुश होंगे, किसी भी एक चीज़ की क्वांटिटी बढ़ने से आप खुश नहीं होंगे। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको अगर इसके दो मिल रहे हैं, जैसे कि इधर कहा गया है, मैं ज़रा इसको थोड़ा एक सही तरीके से बना दूँ ताकि कोई मसला ना हो, तो ये ज़रा सा असल में मिट गया, तो इसको हम वापस से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जी। तो अब लेट सपोज मैं कहता हूँ आपको कि ये मुझे टू यूनिट्स, एक यूनिट तो मुझे यहाँ मिल ही रहा था, अब मैं कहता हूँ कि मुझे एक यूनिट और दे रहे हैं ये लोग, तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे इसी के साथ एक और यूनिट लेफ्ट शू का भी मिल जाए, यानी दो यूनिट राइट शू और दो यूनिट लेफ्ट शू, तो मैं उससे ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे चला जाऊंगा। तो कॉम्प्लीमेंट गुड्स में अगर आपको यूटिलिटी बढ़ानी हो तो आप किसी एक ही पॉइंट ऐसा होगा आपका जो आपको सेम एक यूटिलिटी दे रहा होगा, उससे आगे पीछे होने से भी आप किसी पॉइंट पे जाना भी नहीं चाहेंगे उस इंडिफरेंस कर्व के, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप रहना चाहेंगे, और उससे ज़्यादा भी आपको कोई भी देते तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो इसी तरीके से कि इसका शेप इस तरीके से इसलिए होता है कि क्योंकि यूटिलिटी सेम होती है, जैसे तीनों के ऊपर यूटिलिटी सेम होती है, लेकिन कर्व्स की शक्लें अलग अलग होती है। पहले वाले में आप एक एक चीज़ को लेने के लिए जितनी ज़्यादा आप एक चीज़ को लेंगे, दूसरी चीज़ को आप उतना ही कम छोड़ना प्रेफर करेंगे, जबकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के अंदर आप एक चीज़ अगर एक यूनिट छोड़ेंगे तो दूसरा भी आप एक यूनिट ही, अगर आप एक यूनिट और आपको यानी दिया जाएगा तो आप दूसरे को एक यूनिट छोड़ने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। और कॉम्प्लीमेंट गुड के अंदर क्या होगा कि अगर आपको कोई भी एक चीज़ दे जा रही है तो आप लाजमी सी बात है आप उसका एक कोई ऐसा कॉम्बिनेशन होगा कि आप कहेंगे कि नहीं मुझे जो दूसरी क्वांटिटी है या जो दूसरी आइटम है वो भी मुझे उसी तरीके से उतनी ही क्वांटिटी का, या जो भी मैंने क्वांटिटी रखी है मुझे ये दोनों साथ चाहिए, मैं किसी एक को कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं कर सकता। तो इसलिए आपका ये एक ही कोई पॉइंट होगा इसमें एल शेप के अंदर, जो कि बिल्कुल कॉर्नर का पॉइंट होता है। और अगर आपको दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली वापस से पढ़ा के मिलेंगी तो आप नए इंडिफरेंस ग्रुप पर चले जाएंगे,
और उस इनडिफरेंस कर्व के ऊपर आप नहीं रहेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप का शेप आपने देखा, इनडिफरेंस कर्व, तीनों शेप आपने देख लिए कि ये किस तरीके से होते हैं। तो अब हम अगली वीडियो के अंदर जो करेंगे वो बस अब हम इससे आगे जाएंगे और अफोर्डेबल चॉइस की ग्राफ को मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।